देख सकते हैं फ्रेंड, क्रोला अल्टिस है जिसका एयरबैग का लाइट ब्लिंक कर रहा था, तो हमने इसका स्कैनिंग किया है। ये फोल्ड कोड आ रहा है, देख लीजिए आप। इसके लिए हमने इसकी सारे चीज़ें जो आती है, वायरिंग जितने भी वायरिंग आते हैं सारे हमने चेक किए, तो हमें इसका फोल्ड मिल गया है। हम आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्रोला अल्टिस आई है। इसका प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताते हैं। इसका प्रॉब्लम था कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसका जो एयरबैग का लाइट आता है वो कंटिन्यू मीटर पे कंटिन्यू दिखाता है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये गाड़ी हमने स्टार्ट किया, देख सकते हैं एयरबैग का लाइट अभी भी कंटिन्यू है मीटर पे। तो हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमने इसके लिए ये सारी चीज़ें ओपन की है, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी हमने चेक किया, यहाँ से इसका वायरिंग लाइन पूरा जाता है लेफ्ट साइड से, ये देख सकते हैं। इसका हमने स्कैनिंग भी किया, तो स्कैनिंग में लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम बता रहा था। जो सीट बेल्ट आता है, इस सीट बेल्ट का जो सॉकेट है इसमें करंट पास नहीं हो रहा था, तो हमने इसको ओपन किया है। एक जो कॉन्सोल आता है गियर, ये देखिए गियर लीवर का जो कॉन्सोल आता है, इसको हमने ओपन किया तो हमें इसका फोल्ड मिला है। ये देख सकते हैं, यहाँ से वायर चूहा ने ब्रेक कर दिया है, एक काट दिया पूरी तरह से, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो अब हम ये सीट ओपन करेंगे और इसके वायर को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको चालू करके दिखाते हैं फ्रेंड कि ये वायर जो एयरबैग का लाइट आ रहा है वो अपने आप हटता है कि नहीं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसका हमने सीट ओपन किया है तो हमें इसका फोल्ड मिला है। ये देख सकते हैं, ये दोनों वायर चूहे ने काट दिया है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, ये इसका एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा सीट के नीचे है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे कि एयरबैग का लाइट जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने इस वायर को ज्वाइन कर दिया है। ये आपको दिखाते हैं, देखिए हमने एक दो कलर का एक्स्ट्रा वायर डाल के इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसका हम फोल्ड क्लियर करके चेक करेंगे, देख सकते हैं हमने इसका फोल्ड क्लियर किया है, नो ट्रबल कोट करके आया है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका एयरबैग का लाइट जाता है कि नहीं। ये हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं मीटर पे किसी प्रकार कोई भी लाइट नहीं है, हमारे एयरबैग का लाइट ऑटोमेटिक गुल हो चुका है, देख सकते हैं किसी प्रकार कोई लाइट नहीं आ रहा फ्रेंड। इसके लिए हमने बहुत सारे चीज़ों को ओपन किया था ये फोल्ड को क्लियर करने के लिए, आप देख सकते हैं गियर लीवर का जो कॉन्सोल आता है उसे भी पूरा ओपन किया था। इस सीट भी हमने लेफ्ट साइड का ओपन किया है, और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं जो भी कवर आता है उसे भी पूरा ओपन किया था, तब जाके हमें ये वायर मिला। ये वायर को चूहा ने काट दिया था, देख सकते फ्रेंड, देख सकते पूरा काटा हुआ है चूहे ने। अब इसका चिलक हम पूरी तरह से साफ करेंगे और साफ करके प्रॉपर तरीके से पूरी फिटिंग करके और कस्टमर को ये डिलीवरी कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि कोई भी लाइट नहीं है मीटर पे। ये जो आ रहा है हैंड ब्रेक का लाइट है, ये सीट बेल्ट का लाइट है, वो हम अगर सीट बेल्ट लगाएं तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, हैंड ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।